हेलो गाइस एंड वेलकम टू मैन्यूर एजुकेशन सो ये वीडियो उन सारे सीईटी एस्पिरेंट्स के लिए जो कि वेरियस सीईटीज को टारगेट कर रहे हैं और जैसे कि तुम जानते होगे कि तुम्हारे फॉर्म फिलिंग्स जो हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं बट फॉर्म फिलिंग के दौरान ये चीज़ देखने में आई है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही हैं फॉर्म फिलिंग करते वक्त काफ़ी सारे एरर्स भी हुए हैं उनसे बीच में हालांकि उनकी वेबसाइट पर टेक्निकल ग्लिच हो चुका था बट वो अब रिजॉल्व हो चुका है सारे सी को लेकर उनके रिस्पेक्टिव फॉर्म फिलिंग के वीडियोज़ आ चुके हैं सो यू कैन गो एंड वॉच दी रिस्पेक्टिव सी का फॉर्म फिलिंग वाला वीडियो ऑन देअर रिस्पेक्टिव चैनल और इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करने वाले हैं द फ्रीकवेंटली आस्क क्वेश्चन या एफ एक्स कि कौन से कौन से डाउट्स हमें स्टूडेंट्स की तरफ से आए हैं रिस्पेक्टिव सी ई एग्जामिनेशन क्या क्या दिक्कतें वो फेस कर रहे हैं इस वीडियो के दौरान हम ट्राई करेंगे उन सारे क्वेश्चन का जवाब देने का अगर फिर भी तुम्हारे पास कोई और डाउट एंड क्वेरी है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन ऑफ दिस वीडियो और उसको भी डेफ़िनेटली हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो और शेयर कर दो ये वीडियो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ भी जिन्होंने फॉर्म फिलिंग करी थी बट उन्हें भी कोई ना कोई डाउट एंड क्वेरी आ रही है वो कहीं ना कहीं अटक रहे हैं और उन्हें उस चीज़ का सोल्यूशन नहीं मिल रहा है हो सकता है शायद इस वीडियो के बाद उनका वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए

फाइव सेंटर्स इन मुंबई और हमारा पुणे सेंटर काफी जल्द आ रहा है तो तुम कोई इंपॉर्टेंट अपडेट नोटिफिकेशन मिस ना कर दो इसलिए हमें फॉलो कर सकते हो सोशल मीडिया पर सच एस टेलीग्राम इंस्टाग्राम एंड फेसबुक रिगार्डेस विद्यो लेक्स इन टेस्ट बुक्सिप स्ट्रेट लॉट मोथिंग्स वट आर जैसे नंबर इन बुक राइट अवे तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ ये कुछ हैं क्वेश्चन है जो हमें स्टूडेंट्स की तरफ से मिले हैं अगर तुम्हारे पास और भी कोई डाउट एंड क्वेरी है इन क्वेश्चन के अलावा तो यू कैन राइट डाउन इन दमेंट सेक्शन विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक अनदर वीडियो ऑन दैट बट अब इन फिलहाल इन क्वेश्चन को ले लेते हैं कि सबसे पहले एक स्टूडेंट ने यह पूछा है कि इफ़ आई हैड ओनली माई नेम इन माई सर्टिफिकेट विदाउट एनी सर नेम देन वॉट शुड आई डू बिकॉज दे आर आस्किंग फॉर टू वर्ड्स प्लीज प्लीज रिप्लाई सो यस दो नाम तो वो पूछेंगे ही एक होगा तुम्हारा खुद का नाम एक होगा तुम्हारा सर नेम अगर तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है विदाउट सर नेम या फिर तुम्हारे आधार कार्ड पर तुम्हारा सर नेम है तो तुम्हें उस हिसाब से अपने सर्टिफिकेट नए बनाने होंगे इसके लिए टाइम तो लगेगा बट हो सकता है इनकी जो एडिटिंग विंडो है वो बाद में भी खुले तो तुम बाद में भी उस नए सर्टिफिकेट को अपलोड कर सकते हो बट येस अगर तुम्हारे पास सर नेम बट येस अगर तुम्हारा सरनेम वाला सर्टिफिकेट नहीं है तो उसको बना लो बिकॉज सर नेम होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ़ तुम्हारा फर्स्ट नेम नहीं लेने वाले यू नीड टू गिव दैम टू वर्ड्स तो यहाँ पर तुम्हारा खुद का नाम आएगा तुम्हारा सर नेम भी आएगा अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो सर्टिफिकेट अभी से बनाने के लिए दे दो वॉट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड इन एम सी देखो डॉक्यूमेंट्स को लेकर हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है यू कैन गो एंड फाइंड दैट वीडियो ऑन योर पर्टिकुलर चैनल एम एंट्रेंस वाला चैनल को भी तुम चेकआउट कर सकते हो या फिर तुम मैनुअल एजुकेशन के मेन चैनल को भी चेकआउट कर सकते हो वहाँ पर तुम्हें डॉक्यूमेंट रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मिल जाएगी सारे डॉक्यूमेंट सारे सी के लिए सेम होने वाले हैं सो फिकर करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर तुम एम लिख रहे हो या फिर कोई और भी सीई लिख रहे हो तो डॉक्यूमेंट्स सारे सेम होने वाले हैं जाकर वो वीडियो अच्छे से देख लेना एंड यू विल बी क्लियर विथ योर डॉक्यूमेंट्स वाला डाउट फिर आता है कि सर हॉल टिकट कब मिलता है हॉल टिकट तो तुम्हें मिलेगा पहले तो तुम्हें अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है तुम्हारे जो एग्ज़ाम की डेट है वो आउट हो चुकी है अब तुम जो कोई भी सीई लिख रहे हो तो उस हिसाब से तुम अपनी एग्जाम डेट चेक कर लेना एग्ज़ाम डेट के एक वीक पहले तुम्हें हॉल टिकट इशू हो जाएगा काइंडली लॉग इन टू ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ सी टी सेल और वहाँ पर तुम जब अपना एप्लीकेशन नंबर डालकर लॉग इन करोगे तो तुम्हें लॉग इन पेज पर ही वो हॉल टिकट डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा अच्छे से सारी चीज़ें गो थ्रू कर लेना हॉल टिकट में भी जो भी लिखी हुई है वॉट टू फिल इन एड्रेस लाइन टू सिंस इट्स मैंडेटरी यस इट इज़ मैंडेटरी एड्रेस लाइन टू अगर तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेट एड्रेस नहीं है तो तुम जो पहला वाला एड्रेस जो है तुम्हारा परमानेंट एड्रेस उसी को तुम फिल कर सकते हो अगर तुमने पूरा एड्रेस लाइन वन में फिल किया है तो तुम्हें सेम एज़ अबाव वाला जो एक बॉक्स आएगा उसको चेकआउट करना है उसको चेक कर लोगे तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो ऊपर वाला एड्रेस तुमने फिल कर रहा है वो ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा सेकेंड लाइन एड्रेस मैंडेटरी वैसे तो है नहीं बट अगर तुम देना चाहो तो तुम एड्रेस लाइन वाला जो पहला वाला एड्रेस है वो तुम दे सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई ऑल्टरनेट एड्रेस है दो एड्रेसेस हैं तुम्हारे तो बेशक तुम लाइन टू में वो वाला एड्रेस डाल सकते हो सर आई टाइप माई फ़ोन नंबर रॉन्ग विथ रजिस्ट्रेशन ऐसी गलती कैसे कर सकते हो फ़ोन नंबर ये तो तुम्हारी बेसिक चीज़ है इसको तुम कैसे रॉन्ग डाल सकते हो अगर तुमने अब रॉन्ग रजिस्ट्रेशन कर लिया है गलत फ़ोन नंबर के साथ सो आई एम सॉरी टू से तुम्हें रजिस्ट्रेशन नया करना पड़ेगा विथ अ न्यू फ़ोन नंबर एक नया रजिस्ट्रेशन कर लो अगर तुमने अब तक पैसे फिल नहीं अगर तुमने अब तक पैसे नहीं भरे हैं बहुत अच्छी चीज़ है एक नया रजिस्ट्रेशन कर लो विथ अ न्यू ई मेल और फोन नंबर इस बार अच्छे से डालना कोई गलती मत करना अंडर ग्रेजुएट मार्क्स परसेंटेज फिलअप करें कौन से वाले जो तुम्हारा सिक्स सेम वाला जो मार्क्स है ना ये तुम्हें फिलअप करना है अगर तुम अंडर ग्रेजुएट हो तो तुम्हें सिक्स सेम का मार्क्स फिलअप करना है अगर तुम अपियरिंग हो तो अभी फिलहाल तुम्हें अपियरिंग पे ही क्लिक करना है तो तुमसे तुम कोई ये मार्क्स नहीं पूछेगा हाउ टू कन्वर्ट सीजीपीए इंटू परसेंटेज फॉर महाराष्ट्र बोर्ड अब महाराष्ट्र बोर्ड वाले परसेंटेज और सी दोनों में ही मार्क्स मिलते हैं तुम्हें ठीक है अगर परसेंटेज में मिला होगा तो कोई चक्कर नहीं है सी में अगर तुम्हें मिलना है तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा वैसे वहाँ पर दोनों ऑप्शन आते हैं कि तुम परसेंटेज पर भी मार्क्स दे सकते हो या फिर सी जी पी ए भी, भी मार्क्स दे सकते हो दोनों ही ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में मिलेंगे अगर फिर भी तुम्हें कन्वर्ट करना है कॉन्टैक्ट योर रिस्पेक्टिव कॉलेज वुम्हें सी जी पी ए से परसेंटेज में कन्वर्ट करके दे देंगे या तो फिर सी जी पी ए का एक फॉर्मूला भी आता है जिसको कन्वर्ट करके तुम परसेंटेज में मास ले सकते हो सो लुक आउट फॉर दैट फार्मूला और तुम उससे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो अपना सी का स्कोर द ऑर्फन एंड डोमिसाइल सेक्शन इज क्रेड आउट वाट शुड आई डू जब तुम्हारा सबसे पहला पेज होगा रजिस्ट्रेशन का जहाँ पर तुम अपनी बेसिक डिटेल्स भरकर रजिस्टर कर रहे होंगे फर्स्ट टाइम उसी वक्त ये तुमसे ऑप्शन पूछेगा आर यू ऑर्फन और डोमिसाइल स्टेटस उस वक्त अगर तुमने उसको येस या फिर नो सिलेक्ट कर लिया है वो फ्रीज हो जाएगा इट विल फ्रीज़ वो बाद में एडिट करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा तुम्हें कुछ कुछ सेक्शन ऐसे होंगे वो ऑलरेडी फ्रीज़ हो जाएंगे जो भी तुम बेसिक डिटेल भरोगे एट द स्टार्ट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन सबसे पहला स्टेप होगा तुम्हारा रजिस्ट्रेशन का उसी वक्त तुमसे ये पूछेगा आर यू ऑरफन और, और तुम्हारा डोमिसाइल स्टेटस तो अगर तुम यस और नो करोगे तो वो फ्रीज हो जाएगा अगर तुम्हारे पास और फनज का कोई सर्टिफिकेट नहीं है या और तुमने गलती से उसको यस yes कर दिया तो आई एम सॉरी टू से बट तुम्हें नया रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यहाँ पर अगर उनकी कोई एडिटिंग विंडो खुलती है जहाँ पर ये सारे सेक्शंस तुम्हें फिर से एडिट करने को मिले इट्स वेल एंड गुड या तो फिर एक नया रजिस्ट्रेशन ही करना पड़ेगा तुम्हें पासवर्ड रीसेट कैसे करते हैं कॉज मेरा फॉर्म इनकरेक्ट पासवर्ड बता रहा है प्लीज़ हेल्प नीचे एक फॉरगॉट पासवर्ड करके ऑप्शन आएगा उस पर क्लिक कर देना जो भी ईमेल आईडी तुमने दी होगी रजिस्ट्रेशन के लिए उस ईमेल आईडी को डालकर नया पासवर्ड सेट कर लेना ये काफ़ी इजी स्टेप है फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कर लेना और तुम्हारा पासवर्ड रिसेट हो जाएगा सर इन न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इट इज शोइंग द प्रोसेस इज क्लोज इज इट अ टेक्निकल ग्लिच टेक्निकल ग्लिच ये पहले था जिस दिन इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था अर्ली लेट इवनिंग इनका टेक्निकल ग्लिच आ चुका था बट अब प्रोसेस काफी स्मूथ हो चुका है इनकी वेबसाइट भी अच्छी खासी चल रही है अगर उस दिन के बाद तुमने वापस चेक नहीं किया है आई वुड रिक्वेस्ट कि वापस एक बार जाकर उनकी वेबसाइट चेक कर लो जो भी सीई के लिए तुम अप्लाई करना चाहते हो एक बार उसका फॉर्म फिलिंग स्टार्ट करके देखो कोई ग्लिच नहीं है अगर ग्लिच आता है यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन विल फाइंड अ वे फॉर इट सर आई एम अ स्टूडेंट ऑफ वीजे कैटेगरी बट आई एम नॉट एलिजिबल फॉर नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एज माई फैमिली इनकम इज मोर देन एट लैक्स सो शुड आई फिल माई एम बी एस सी ई टी फॉर्म फ्रॉम ओपन कैटेगरी और माई रिजर्व कैटेगरी देखो अगर तुम्हारे पास रिजर्व कैटेगरी यू कम फ्रॉम वी जे कैटेगरी राइट तो अगर तुम्हारे पास वी जे कैटेगरी का सर्टिफिकेट है सो यू कैन अप्लाई फॉर योर रिजर्व कैटेगरी अप्लाई कर सकते हो तुम रिज़र्व कैटेगरी के थ्रू ही बट अगर तुम्हारे पास इसका सर्टिफिकेट नहीं है तो बेटर है कि तुम सर्टिफिकेट बनाने के लिए दे दो एक महीने का कम से कम तो टाइम लगेगा इस सर्टिफिकेट को बनने के लिए और हो सकता है तब तक शायद तुम्हारी एडिटिंग विंडो वापस भी खुल जाए सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर अब तक कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए इन्होंने कहा नहीं है सिर्फ यस और नो पर टिक करते जाओ जो भी चीज़ों पर तुम यस yes टिक करते जाओगे उन उन चीज़ों का तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होना चाहिए ये बाद में तुम्हें कैप राउंड के थ्रू कैप राउंड के टाइम काम आने वाला है इतना ध्यान में रख लो कि कोई भी सी का अगर तुम फॉर्म भर रहे हो तो कैप राउंड के टाइम पे ही तुम्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ेंगे अब कोई डॉक्यूमेंट तुम्हें अपलोड नहीं करना है तो अगर तुम येस भी करते जा रहे हो मेक श्योर करना कि तुम कैप राउंड के पहले पहले वो डॉक्यूमेंट्स हासिल कर लो सो so, अगर तुम वीजे कैटेगरी से आ रहे हो एंड इफ यू वाचिंग दिस वीडियो वीजे कैटेगरी में भर दो फॉर्म कोई टेंशन वाली बात नहीं है ओपन कैटेगरी से भरोगे तो तुम्हारी फॉर्म की फीस भी ज्यादा लगेगी एंड रिजर्वेशन भी तुम्हारा खत्म हो जाएगा अभी ओ का सर सर्टिफिकेट नहीं है सर एक महीना लगेगा आने को क्या ओ बी कैटेगरी में अभी मैं अभी फॉर्म में सर्टिफिकेट नहीं लगता ना प्लीज़ रिप्लाई यस अभी फॉर्म में सर्टिफिकेट नहीं लगेगा तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बेसिक डिटेल्स भर कर ये अपना फॉर्म फिलअप करना है और बेसिक डिटेल्स भी ये तुमसे पूछेगा ये तुम्हारी पर्सनल डिटेल्स पूछेगा डोमिसाइल स्टेटस पूछेगा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछेगा एंड तुम्हें पेमेंट करनी है ये चार स्टेप में तुम्हारा पूरा का पूरा फॉर्म भर के हो जाएगा अभी कोई तुम्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं करने अगर तुम्हारे पास एक महीना है सर्टिफिकेट आने के लिए तो बेटर है कि तुम कैटेगरी में ही उसका फॉर्म फ़िलअप कर दो जैसे ही सर्टिफिकेट आएगा तुम कैप के टाइम पे उसको अपलोड कर देना कोई चक्कर वाली बात नहीं है तो तुम आराम से अपनी कैटेगरी में इसको फिल कर सकते हो तो यस गाइज ये थे कुछ कॉमन डाउट्स जो कि स्टूडेंट्स की तरफ से हमें काफ़ी सारा आ रहे थे कि सी ई टी के फॉर्म फ़िलअप करते करते वो ये सारी दिक्कतों का सामना कर रहे थे इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वारीज़ यू कैन राइट डाउन इन दी कमेंट सेक्शन ताकि हमको भी पता चले कि और क्या क्या स्टूडेंट्स इश्यूज फेस कर रहे हैं फॉर्म फिलिंग से रिलेटेड